राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है कि पंजाब कांग्रेस में अंतरकलह को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर से 3 सदस्यीय खड़के पैनल के सामने खड़ा होना पड़ा। 3 घंटे तक चली इस बैठक में कैप्टन ने पंजाब कांग्रेस में चल रहे विवाद के लिए पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की बयानबाजी को जिम्मेदार ठहराया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि सारे फसाद की जड़ नवजोत सिंह सिद्धू ही है। कैप्टन ने कहा कि सिद्धू के साथ उन्होंने कई बार मतभेद मिटाने की कोशिश की, लेकिन वो खुद ही सारे दरवाजे बंद करने के आमादा है। रिपोर्ट के मुताबिक कैप्टन ने यह भी कहा कि हालातों में सिद्धू को कोई भी पद नहीं दिया जा सकता। उधर पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू अपने स्टाइल में बैटिंग कर रहे हैं, उन्होंने पार्टी के खिलाफ कुछ ऐसा नहीं कहा। रावत ने पंजाब कांग्रेस में बड़े फेरबदल के भी संकेत दिए। रिपोर्ट के मुताबिक 3 सदस्यीय कमेटी ने सरकार और पार्टी के दिए गए बयान पर भी कड़ा संज्ञान लिया। कैप्टन ने कहा कि सिद्धू के बयानों से आगामी चुनाव में नुकसान होने की संभावना है। उन्होंने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी से भी मुलाकात की। बताया जा रहा है कि सिद्धू की बयानबाजी से कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी नाराज है। उन्होंने पार्टी के नेताओं को हिदायत दी है कि वे इस तरह की बयानबाजी नहीं करें जिससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो। उन्होंने कहा कि यदि किसी की नाराजगी है तो वे अपना पक्ष पंजाब कांग्रेस या कांग्रेस आलाकमान के सामने रख सकता है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, पीसीसी प्रधान सुनील जाखड़ और नवजोत सिंह सिद्धू को राहुल गांधी से मीटिंग के लिए बुलाया भी गया। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जो हालात दिखाई दे रहे हैं उसे साफ पता चल रहा है कि इसका असर सीधा पंजाब चुनाव में देखने को मिल सकता है। गौर करने वाली बात तो यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच चल रहे विवाद की वजह से पंजाब में कांग्रेस को झटका भी लग सकता है। आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच चल रहे विवाद को खत्म करने के लिए कांग्रेस बड़े स्तर पर काम करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी इस कोशिश में है कि किसी भी तरह से इस मुद्दे को सुलझाया जाए और इसका हल निकाला जाए, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरह का माहौल दिखता हुआ नजर आ रहा है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि फिलहाल कैप्टन और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच का विवाद इतनी जल्दी हल नहीं हो सकता। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। हालांकि अगर बात करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिया है कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कैबिनेट में जगह नहीं दी जाएगी और ना ही उन्हें डिप्टी सीएम का पद भी दिया जाएगा। ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह पूरी तरह से सोनिया गांधी के खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी जिस तरह से कोशिश कर रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में बड़ी जगह दी जाए और नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी को भी दूर किया जाए, लेकिन जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी बात पर अड़े हुए हैं उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कैबिनेट में जगह दिलवाना और उसके साथ ही साथ उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दिलवाने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह पूरी तरह से तैयार नहीं है। आपको बता दें कि आगामी समय के अंदर देखने को मिल सकता है कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जो विवाद चल रहा है इसका बड़ा नुकसान हो सकता है। जी हाँ, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच चल रहे विवाद की वजह से जो झटका कांग्रेस को पंजाब में लग सकता है इसकी आशंका अभी से दिखाई दे रही है और इसका बहुत बड़ा फायदा विपक्षी पार्टियां उठाती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह का बड़ा कदम कांग्रेस पार्टी आलाकमान उठाती है और सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह की लड़ाई जो चल रही है इसको दूर करने के लिए क्या कदम उठाया जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।